हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। आज मैं आपको एक बहुत ही छोटे एपिसोड मगर बड़ा कारगर उपाय बताऊंगा, जिनकी सबकी हेयर फॉल हो रही है, बाल की समस्या का एक सरल उपाय, उसका निदान कैसे आप कर सकते हो। दिस इज टाइम टेस्टेड। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि दो ही चीज़ें हमारे शरीर में जो रोजाना दिखने लायक बढ़ता है, वो है हमारा हेयर और हमारी नेल, यानी हमारी बाल और हमारी नाखून। दोस्तों, जानते हो ये दोनों के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है, डीप रिलेशनशिप है। यानी अगर आप नाखून का प्रयोग, यानी अपने नेल का अगर जो जेंटिल प्रयोग अगर अपने हेयर में करते हो, तो उसका फायदा आपको दोस्तों तुरंत देखने मिलेगा। ये काफ़ी दिन से मैंने रिसर्च कर रहा था और कई लोगों के ऊपर इसकी एप्लीकेशन होने के बाद ये सिद्धांत बन पाई, ये निचोड़ बन पाई कि ऐसा प्रयोग अगर अपने जीवन में करते हो तो डेफिनेटली आपको भी इसका बेहतर परिणाम देखने मिलेगा। टाइम टेस्टेड है, बस आपको सुबह उठकर शांति से बिस्तर पे आप बैठ जाओ, जैसे उषा जलपान वगैरह तो जो बताया हूँ वो प्रयोग तो आपको करना है, मगर आपका जो नाखून है, राइट हैंड का और लेफ्ट हैंड का, सारे उंगलियों का नाखून को आप पूरा बारीकी से नेल कटर से काटना है। काट के उसको पूरा साइज करके ऐसे रखो जिसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई खरोंच ना आ जाए। उसको क्या करनी है, धीरे धीरे बहुत जेंटल तरीके से अपने राइट हैंड के उंगलियों से जो नाखून का साइड रहता है, उस साइड से आप धीरे धीरे सर को सहलाना शुरू करें, हाथ को चलाएं, धीरे धीरे रफ करें ऊपर का हिस्सा, माथे के तरफ का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, और ख़ास करके बल दें कि पूरा सिर जो है आपका वो कवर हो। अराउंड एक डेढ़ मिनट करने के बाद फिर लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें। ऐसे लेफ्ट राइट करते करते जब चार मिनट तक चला जाए, फिर लास्ट का एक मिनट आप दोनों हाथ से आपको करनी है। इस तरीके से जेंटल मसाज आप अगर अपना फिंगर टिप से करोगे और नाखून का जो एंड है जो सही ढंग से आपका कटा हुआ हो और पॉलिश्ड हो, वो टच होना चाहिए बाल के जड़ में, यानी हेयर का जो एकदम शुरुआती जगह है वो जेंटल मसाज, उसको वाइब्रेशन उसको मिलनी चाहिए, यानी नाखून की वाइब्रेशन। अगर ऐसा वाइब्रेशन आप 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट आप देते हो रोजाना मॉर्निंग में और रात को सोने के पहले, इससे दोस्तों जबरदस्त चुंबकीय शक्ति वहां पे बनना शुरू होता है, केमिकल चेंजेस होना शुरू होता है और ऐसे हार्मोन की संरचना वहां पे होती है, सिक्रेशन स्टार्ट होती है, जो आपका हेयर का केयर लेना शुरू करता है। एक तरह से हेयर की प्रॉब्लम समाप्त होना दोस्तों शुरू हो जाता है। और एक सबसे बड़ी फायदा क्या है कि आप जब रात में प्रयोग करते हो तो रात भर आपको अच्छी नींद होती है और सुबह जब आप इसको करते हो तो दिमाग दिन भर आपका नॉर्मल रहता है, ठंडा रहता है, आपको एंग्जाइटी पैनिकनेस नहीं आती है और आप बेहतर वर्क कर पाते हो। दोस्तों, आई एम रिपीटिंग, दोबारा आपको बताता हूँ कि मॉर्निंग में एक बार ही सो के उठ के जिस बिस्तर में सोए थे उसी बिस्तर में बैठ के आपके राइट पांचों फिंगर से एक बारी करना है और फिर थोड़ी देर के बाद लेफ्ट से, लेफ्ट राइट ऐसे 3-4 मिनट करने के बाद फिर दोनों मिला के 1-2 मिनट आपको करनी है, कुल मिला के 5-7 मिनट आपको करना है। उसके 2-3 मिनट के बाद आपको बिस्तर से उतरना है। एक होता है बिस्तर छोड़ते समय सुबह और एक बार जब आप बिस्तर में जाते हो डिनर के बाद। दो बार दोस्तों करो, आपको चमत्कारी रिजल्ट आएगी, क्योंकि मैं जो डालता हूं ये कोई नेट वगैरह की चीज नहीं है, ये मैं प्रयोग करवाता हूं,
साइंटिफिकली इसको पहले रिसर्च करवाता हूँ, लोगों पे अप्लाई करता हूँ और जिससे बेहतर रिजल्ट आता है वही आपके सामने लाके प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसका ज़बरदस्त फायदा आप लोग ले पाओगे, और जिन्हें भी हेयर की प्रॉब्लम है, जिन्हें भी नींद की प्रॉब्लम है, जिन्हें भी बेचैनी होती है, जिन्हें भी एंग्जाइटी रहती है और जिन्हें अलग अलग तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिसफंक्शनल प्रॉब्लम है उनको फायदा होगा और पैनिकनेस भी कम होगी, हेयर की प्रॉब्लम तो ठीक होनी है दोस्तों। तो ये थी नाखून के माध्यम से हेयर का प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व करना, और इसी तरीके का छोटा छोटा एपिसोड जो साइंटिफिक हो, जो कम से कम प्रयोग किया गया हो आपके लिए, फिर दोबारा लेके आपका दोस्त आपका हम सफर डॉक्टर दरवेश फिर हाजिर होगा दोस्तों। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इसको जरूर अपने जीवन में कारगर तरीके से इम्प्लीमेंट करें और इसका दोस्तों फायदा उठाएं, जिससे जो भी प्रॉब्लम है उसकी सॉल्व होनी चाहिए, इसलिए मैंने अलग अलग एपिसोड पे काम कर रहा हूं दोस्तों। लास्ट में मैंने जैसे हमेशा अपने दिल की बात कहता हूं कि देश से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए जय भारत जय हिंद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।